कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आपको यामाहा एरोक्स 155 में एक्सक्लूसिवली देखने को मिल जाता है, जो कि दूसरी इंडियन स्कूटर्स में नहीं मिलते, वो है कि आपको फ्रंट डिस्क पर सिंगल चैनल एबीएस इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो दूसरी स्कूटर्स के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने दी है। इसका जो डिज़ाइन है वो भी एक प्रॉपर मैक्सी स्कूटर डिज़ाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मैसिव डिज़ाइन है। और उसके बाद अगली चीज़ आपको इसमें, जी हाँ, लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये इसका रेडिएटर है और उसके पीछे कंपनी ने फैन दिया हुआ है। उसके बाद इसमें दो शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मोस्टली ज़्यादातर स्कूटर्स में सिंगल शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है। एरोक्स 155 का डिटेल रिव्यू SR मोटोवर्ल्ड चैनल पर आने वाला है, तो SR मोटोवर्ल्ड को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप भी इसका डिटेल रिव्यू जल्दी से जल्दी देख पाएं।